और भाई आजकल तो तेरे बहुत चर्चे हो रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। फ्री फायर में अभी सबसे ज्यादा केक एटर का यूज हो रहा है, हाँ या ना कमेंट में बताओ। केक एबिलिटी आपको पता होगा, जब स्किल ऑफ रहता है देन ईपी देता है, एंड जैसे ही तुम स्किल को ऑन करते हो देन वही ईपी को एचपी में कन्वर्ट करता है केक कैरेक्टर। एक सेकंड में 5 ईपी को 5 एचपी में कन्वर्ट करता है केक एटर, बट अभी 1 सेकंड में 16 एचपी देगा केक एटर। कैसे, इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका भाई शेखो भाई, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो भाई लोग, टोटल 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक बैटल रॉयल फुल मैप के लिए एंड दूसरा क्लास स्क्वाड के लिए। फुल मैप में तो 90% रैंक पुशर के कैटर को यूज करते हैं जोन में सर्वाइव करने के लिए, बट आजकल मैं देख रहा हूँ क्लास स्क्वाड में भी कुछ रैंक पुशर के कैटर को यूज कर रहे हैं। रीजन, उसका फाड़ू एबिलिटी, बिना मेडिकेट का पूरा मैच खेल जाओगे, ऐसा एबिलिटी है के कैरेक्टर का। ऑलराइट, फर्स्ट बैटल रॉयल कॉम्बिनेशन। एक्टिव स्किल में ऑब्वियसली हम के कैरेक्टर को यूज करने वाले हैं क्योंकि उसी के ऊपर वीडियो बन रहा है, तो हम कोई अदर कैरेक्टर को तो यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो के का एबिलिटी तो आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां पर मैं वीडियो दे दिया हूं के कैरेक्टर का एबिलिटी फुल डिटेल्स में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया हूं, जाके देख लेना। देन बात करते हैं के कैरेक्टर के साथ कौन-कौन सा 3 पैसिव कैरेक्टर को यूज करने से के एबिलिटी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो नंबर 1 पैसिव कैरेक्टर है लुकेटा। लुकेटा का एबिलिटी क्या है, एचपी मीटर को इंक्रीज करता। अगर तुम्हारे पास 200 एचपी है देन वो 250 एचपी तक इंक्रीज कर देगा। कैसे करेगा, सिंपल है, आपको 2 किल करना है। 1 किल करोगे तो 225 एचपी इंक्रीज हो जाएगा एंड दूसरा किल करने से और 25 मींस टोटल 250 एचपी इंक्रीज हो जाएगा। देखो, लुकेटा एचपी नहीं देता है, एचपी मीटर को इंक्रीज करता है अप टू 50 एचपी तक। एचपी कौन देगा, एचपी तो तुम्हें के कैरेक्टर देगा, लेकिन एचपी मीटर को इंक्रीज करता है 250 एचपी तक लुकेटा कैरेक्टर। ओके, देन सेकंड पैसिव कैरेक्टर को अगर तुम के कैरेक्टर के साथ यूज करते हो देन 3 सेकंड में 58 एचपी देगा एंड 1 सेकंड में 16 एचपी देगा के कैरेक्टर। तो उस कैरेक्टर का नाम है फॉर्ड कैरेक्टर। फॉर्ड के साथ अगर तुम के कैरेक्टर को यूज करते हो देन एक तगड़ा बॉन्ड बनता है, एक तगड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। सुनो, फॉर्ड का एबिलिटी है डैमेज लगने पर 3 सेकंड में 30 एचपी देता है एंड कूल डाउन टाइमिंग है 20 सेकंड का। अगर तुम 20 सेकंड वेट नहीं कर सकते हो देन तुम्हें एक्टिव स्किल को यूज करना पड़ेगा। अगर तुम एक्टिव स्किल को यूज करते हो देन जो फॉर्ड का एबिलिटी है वो रीसेट हो जाएगा। एक्टिव स्किल मींस के कैरेक्टर का स्किल को यूज करना पड़ेगा और के का कूल डाउन टाइमिंग मात्र 3 सेकंड का है। तुम बार बार के का स्किल को यूज करके फॉर्ड कैरेक्टर का एबिलिटी को रीसेट कर सकते हो। एंड बैटल रॉयल का लास्ट कॉम्बिनेशन में तुम किसी भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, बट मैं तुम्हें 2 कैरेक्टर सजेस्ट करूंगा। पहला कैरेक्टर है राफेल कैरेक्टर, जो ऑटोमेटिक साइलेंसर का काम करता है और नॉक एनिमी को जल्दी से फिनिश कर देता है। एंड दूसरा कैरेक्टर है मीसा कैरेक्टर, जो ज्यादातर मैं यूज करता हूँ फुल मैप में, क्योंकि फुल मैप में गाड़ी वगैरह भी मिल जाता है और तुम लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो, जोन में भी जा सकते हो। तो इसीलिए मैं मीसा कैरेक्टर को यूज करता हूँ, जो ड्राइविंग स्पीड इंक्रीज करती है, उसके साथ साथ एनिमी का बुलेट तुम्हें इतना जल्दी नहीं लगेगा और अगर लगता भी है देन 20% कम डैमेज लगेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में तुम लास्ट स्लॉट में कौन सा कैरेक्टर को यूज करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये था फुल मैप बैटल रॉयल कॉम्बिनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर दो। आशा करता हूँ कि तुम इस वीडियो में 10,000 लाइक कंप्लीट कर दोगे और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाओ और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। देन सेकंड क्लास कोड कॉम्बिनेशन में एक्टिव कैरेक्टर में तो वही के कैरेक्टर एंड 3 पैसिव कैरेक्टर में पहला पैसिव कैरेक्टर है फॉर्ड, जिसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। के कैरेक्टर के साथ उसका अलग ही कॉम्बिनेशन बनता है भाई, बहुत ही ताबड़तोड़ कॉम्बिनेशन बनता है। देन सेकंड पैसिव कैरेक्टर है जस्टिन बीबर, इसका एबिलिटी बहुत ही गजब एबिलिटी है। अगर एनिमी तुम्हें डैमेज देता है देन 12% ईपी लॉस होगा, एचपी लॉस नहीं होगा, ईपी लॉस होगा 12%। एक तरफ से तुम ये सोच लो कि तुम्हारा एचपी थोड़ा बहुत बच जा रहा है, ईपी लॉस हो रहा है, और अगर तुम्हारे टीममेट के पास भी ईपी होगा देन जस्टिन बीबर का एबिलिटी तुम्हारे टीममेट के ऊपर भी काम करेगा और तुम्हारे टीममेट का जितना भी ईपी लॉस होगा वो ईपी तुम्हें मिल जाएगा। मतलब ये बोल सकते हो कि जस्टिन बीबर को यूज करने से ईपी
ईपी इंक्रीज होगा। ये तीनों कैरेक्टर से तुम्हें एचपी भी मिलेगा, ईपी भी मिलेगा और उसके साथ साथ डैमेज को भी ब्लॉक करेगा। देन लास्ट कैरेक्टर हम रसर के लिए यूज करेंगे, तो इसीलिए लूना कैरेक्टर को मैं यूज किया हूँ, जो रेट ऑफ फायर को इंक्रीज करती है 8% तक एंड मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करती है अप टू 15% तक। सो गाइस ये था के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बैटल रॉयल एंड क्लास कोड के लिए। एक और बार मैं बता देता हूँ कि के कैरेक्टर के साथ बैटल रॉयल में तुम कौन कौन सा पैसिव कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। नंबर 1 में वॉर्ड कैरेक्टर, देन नंबर 2 लुकेटा एंड लास्ट स्लॉट में तुम राफेल या फिर मीसा कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, या फिर तुम्हारा मर्जी तुम कोई भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। एंड क्लास कोड कॉम्बिनेशन में के कैरेक्टर के साथ तुम जस्टिन बीबर, वॉर्ड कैरेक्टर एंड लास्ट में तुम लूना या फिर दशा, इन दोनों में से किसी भी एक कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। ओके, सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। और आप लोगों को पता है हमारा सेकंड चैनल भी है स्ट्रोम ब्रदर लाइव, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाओ और सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।